देखिए, आज मैं बहुत वर्षों के बाद AICC हेडक्वार्टर्स में एक त्यौहार का माहौल देख रहा हूँ। लगता है कि 2017 में दिवाली दो बार हम मना रहे हैं और लोगों के बीच में ये ऊर्जा और लोगों के बीच में ये जोश, इनका मैं स्वागत करता हूँ। और यही प्रभाव दिखाता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में एक नई उमंग, एक नई शक्ति आएगी और आने वाले समय में टीम कांग्रेस के हमारे कप्तान राहुल गांधी जी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को पर देश को एक नई आशा और एक नया रूप दिखा पाएंगे, जिस नए रंग में देश का 1.2 बिलियन लोग, युवा जो हैं, ये इन सब की जो सपने हैं ये सपने साकार होंगे। वर्तमान के 3 साल में दिख रहा है कि सरकार सिर्फ 2.5 लोगों के निर्देश पे चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, ये सरकार हमारे युवाओं की होगी, पूरे समाज की होगी, ना सिर्फ 2.5 लोगों की। सर, पाकिस्तान सरकार ने ये साफ संकेत दिए कि गुजरात चुनाव में पाकिस्तान को जबरदस्ती खींचना बंद है। देखिए, चुनाव हमारे भारत में हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की सरकार को हमारे चुनावी प्रचार पे और चुनावी हमारे माहौल पे उनको कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। मैं कंडेम करता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जरूरत की है कि हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया पे वो सवाल उठाए। कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान के साथ मिलना कहीं ना कहीं ये एक चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश है, बीजेपी को हराने का रणनीति। बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी डर चुकी है और इसीलिए गुजरात के लोग जो विकास की बात सुनना चाहते हैं वो बात नहीं कह रहे और इसलिए वो बनावटी बातें कह रही हैं। ये कहीं उनके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी और भय का जो माहौल आ गया है वो दर्शाता है। और ज़रूरी कांग्रेस दल का जो एक कैंपेन है, पॉजिटिव कैंपेन, विकास का कैंपेन, उस कैंपेन के प्रभाव से डर के आज बीजेपी इस प्रकार की बनावटी बातें करने पर मजबूर हो चुकी है। गुजरात में कांग्रेस की सरकार और आने वाले समय में भारत में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। हिमाचल में भी हमने देखा है कि वीरभद्र राजा जी के सरकार के प्रति लोग बहुत संतुष्ट हैं और हिमाचल में भी कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है। देखिए, जहां तक मुझे मेरी जानकारी है 16 दिसंबर को वो पद लेंगे। आज भी वो गुजरात के निर्वाचन में व्यस्त हैं, वहां के प्रचार में, बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्वाचन है और लोग पूरे समुंदर की तरह, एक सागर की तरह गुजरात के लोग आज कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं।